ब्रेक के बाद का स्वागत है। 800 मेगावाट क्षमता वाले कोल डैम परियोजना की आधारशिला तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 5 जून 2013 को रखी गई थी, जिसके बाद देश की नवरत्न कंपनी एनटीपीसी द्वारा क्षेत्र में निर्माण कार्य शुरू किया गया। कोल डैम बनने के दौरान बिलासपुर जिला का बहोट कसोल गांव सबसे ज्यादा विस्थापन की चपेट में आ गया था, लेकिन आलम ऐसा है कि 16 वर्षों में इस गांव तक ना तो सड़क सुविधा पहुंच पाई है और ना ही सरकारी बस सेवा, यहां तक कि शौचालय की भी कोई व्यवस्था कर पाने में सरकारी नाकाम साबित हुई है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने प्रदेश सरकार से उनके गांव तक विभिन्न सुविधाएं मुहैया करवाने की अपील भी की है। मेगावाट क्षमता वाले कोल डैम परियोजना की आधारशिला तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 5 जून 2013 को रखी गई थी, जिसके बाद इसकी देश की नवरत्न कंपनी एनडीपीसी द्वारा क्षेत्र में निर्माण कार्य शुरू किया गया। कोल डैम बनने के दौरान बिलासपुर जिला का बहाट कसोल गांव सबसे ज्यादा विस्थापन की चपेट में आया था, जिसमें सैकड़ों परिवारों की जमीनें इस प्रोजेक्ट के दायरे में आई थी और उन्हें महत्वाकांक्षी योजना के लिए विस्थापित होना पड़ा था। बावजूद इसके 16 वर्ष बीत जाने के बाद आज भी इस गांव के लगभग 1200 ग्रामीणों को अनदेखी का सामना करना पड़ रहा है और तब से अब तक किसी भी सरकार की नजरें इस ओर इनायत नहीं हुई है। आलम ऐसा है कि 16 वर्षों में इस गांव तक ना तो सड़क सुविधा पहुंच पाई है और ना ही सरकारी बस सेवा, यहां तक कि शौचालय का भी कोई व्यवस्था कर पाने में सरकार नाकाम साबित हुई है। इस बात की जानकारी देते हुए स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि बड़ी परियोजना के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार ग्रामीण इलाकों में जमीन आवंटित कर लोगों को विस्थापित तो जरूर बना देती है, मगर सुविधा देने के इसमें पीछे हट जाती है, जिसका खामियाजा बाहोर कसोल गांव को आज तक भुगतना पड़ रहा है और उनके गांव में सड़क, बस और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने प्रदेश सरकार से उनके गांव तक विभिन्न सुविधाएं मुहैया करवाने की अपील भी की है। स्थापित तो है सर, काफी साल हो गए सर, हमारी जो जितनी भी उपजाऊ जमीनें थी वो सारी कोल डैम एनटीपीसी वालों ने ले ली सर, और जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं थी सर, जैसे हमें रोड की सुविधा नहीं है सर, यहाँ से आने जाने का सर बहुत दिक्कत है सर, हमारे छोटे बच्चे सर स्कूल जाते हैं तो सर जैसे बरसात के दिनों में तो सर सारा रोड पानी से भरा होता है सर, और सर ज़्यादा नहीं है सर, हमारा 1 किलोमीटर का रोड है सर, तो हम चाहते हैं सर ये जो रोड है सर ये पूरा मतलब 2 लेन बनना चाहिए। लोग जो विस्थापित हुए हैं लगभग 1000 आदमी है, 2003 में यहाँ से विस्थापित हुए थे और 2003 से लेकर के 2019 आ गया, लेकिन आज तक यहाँ पे ना कोई सुख सुविधा है, ना पंचायत की तरफ से, ना सरकार की तरफ से, ना यहाँ बस आती है, बस भी यहाँ से 800 मीटर। रोड की इतनी समस्या है, बुढ़े आदमी को जाने के लिए बड़ा मुश्किल होता है, पार से या बस लग जाए तो हमारी ये जो यहाँ की सारी समस्या है वो हल हो जाएगी।